तो फाइनली दोस्तों, डीसी यूनिवर्स की लास्ट मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। तो कैसी है मूवी, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों इसे भी डायरेक्ट किया है जेम्स वैन ने, और इसमें लीड में है जेसन मोमोवा, पेट्रिक विल्सन, निकोल किडमैन, याया अब्दुल मैटिन टू जैसे स्टार्स। इसकी स्टोरी वही से शुरू होती है जहाँ पर पहले पार्ट का एंड हुआ था, और एक्वामैन ने अपने भाई ओशन मास्टर को अपने किंगडम से बेदखल करके खुद वहां का राजा बन गया था। लेकिन अब ब्लैक मांटा फिर से अपने पिताजी का बदला लेने आ गया है, और उसे मिल गया है एक ब्लैक ट्राइडेंट, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब अपने किंगडम को बचाने के लिए एक्वामैन फिर से अपने भाई की मदद मांगने गया है। लेकिन क्या ओशन मास्टर अपने भाई की मदद करेगा, या फिर से इनके बीच हो जाएगी थोड़ी अनबन, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी, जो 2 घंटे 4 मिनट की है, और एक मिड क्रेडिट सीन भी है, पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। सो खत्म होते ही चले जाओ अपने घर पर। दोस्तों एक्वामैन 2 की स्टोरी टेलिंग फर्स्ट पार्ट से काफी ज्यादा वीक है, बट अगर आप एंटरटेनमेंट वाइज और विजुअल वाइज देखोगे तो ये मूवी बहुत बढ़िया है, और इसके एक्शन सीक्वेंस भी कमाल के हैं। सबसे बेस्ट मुझे इस मूवी में सेकेंड हाफ का फाइट सीक्वेंस लगा। डायरेक्शन, एक्शन, बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ अच्छा है, बस अब इसका एंड हो गया है, और इसके बाद हमें एक नए डीसी यूनिवर्स का उगता सूरज देखने को मिलेगा। तो अगर आपने एक्वामैन 2 देखी है तो आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, आखिरकार मुझे काम मिल गया, मैं बना एटलांटिस का राजा।